हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के बेसिस पे वन वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें आप लोगों को मैंने सॉल्व कराया था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के बचे हुए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट। डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आज के इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टास्क भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसको आप लोगों को कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। यहां पर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स कह रहा है, इफ tan a plus b is equal to root 3 एंड tan a minus b is equal to 1 by root 3 where a plus b is less or equal than 90 and greater than 0 and a is greater than b, find a and b। देखिए, जो कंडीशंस गिवन है ये बाद में सेटिस्फाई होनी चाहिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसकी और भी मीनिंग्स निकाली जा सकती है, लेकिन वो अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है। हायर क्लासेस में इस बात पहुंचेंगे तो वहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझिएगा कि आप इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करें। जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो आप देख लीजिएगा कि आपकी वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है, ध्यान से समझते चलिए क्वेश्चन को। गिवन स्टूडेंट्स कितना, tan a plus b is equal to root over 3। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अब देखो, इधर tan है तो इधर भी tan हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तभी tan से tan खत्म होगा और a और b में जब रिलेशन बनेगा तभी a और b की वैल्यू हमें मिलेगी। देखो स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे tan a plus b is equal to, आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि tan से tan दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, हमें मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको हम लेट करेंगे अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स अगेन, देखो अगेन, और क्या गिवन है आपको, गिवन है स्टूडेंट्स आपको tan a माइनस बी जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 बाई रूट 3। ठीक है, बात समझते चलना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, आपको लर्न होगा कि ये tan 30 की वैल्यू है। ठीक है, फिर से वही होगा, tan से tan यहाँ पे खत्म होगा स्टूडेंट्स, आपके पास बचेगा कितना, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना था। अभी हमारे पास a और b के बीच में दो इक्वेशन बन गए हैं, जिसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब हमें करना क्या स्टूडेंट्स, सिंपल सा इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं आप, देखो यहाँ b का साइन कैसा है, पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा और हमें a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, मिल जाएगी। तो मैं यहाँ सिंपल सा लिखूंगा, देखो क्या बोलूंगा, एडिंग, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास मिला है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको जब आप ऐड करोगे देखो आपको क्या मिलेगा, यहां से b हो गया कैंसिल, a a कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 2a हो गया और 60 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू को फाइंड करिए स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप सिंपल सा क्या करो, इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, नाउ ध्यान देना, नाउ पुटिंग द वैल्यू, आप ध्यान समझे स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू आप लोगों ने कितना फाइंड किया 45 डिग्री, पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, होगा 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू मिलेगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू आपको मिलेगा 15 डिग्री जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो। ठीक है, तो लास्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों को आंसर क्या मिल गया, तो लास्ट में आप यहाँ आंसर लिख दीजिएगा, आंसर a इज इक्वल टू आपको मिल गया है
45 डिग्री और बी इक्वल टू आपको मिल गया स्टूडेंट्स कितना 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू वो लेस देन 90 और जीरो ग्रेटर देन जो है जीरो होनी चाहिए। तो देखो 45 और 15 को ऐड करोगे 60 आएगा, रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसने कहा था ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, ठीक है, आप ए की वैल्यू 45 पाए हो बी की 15, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसी के बेसिस पे मैं आपको टास्क में क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो को पास कर क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व कराया ऐसे ही आप लोग नोट कर लें स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स हमारा, कह रहा है स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें पहले बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स हैं, और ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, मीन्स दोनों का रीजन भी आप लोगों को यहाँ पर देना है। तो आराम से समझिएगा क्योंकि ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन हैं उसको जनरली स्टूडेंट्स, मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो लोग क्या करते हैं आंसर शीट से मैच कर लेते हैं या जनरली उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसलिए उस पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया करिए और उसको अच्छे से अपने मन में खुद से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया करिए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा फर्स्ट यहां पर कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो पहले तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये फॉल्स है, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये फॉल्स क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास गिवन क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, लिखा है साइन ए प्लस साइन बी होता है, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जान लीजिए स्टूडेंट्स कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी और प्लस होता है कॉस ए साइन बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला होता है। तो अभी आप लोग इसको तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन आगे चल के आपको बहुत ही काम देगा, ये तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं अगर आप ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। साइन ए प्लस बी का ये एक्सपेंशन होता है, साइन ए माइनस बी का होता तो यहाँ माइनस हो जाता है, जो आप लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे। अभी मैं इसको आपके लेवल पे इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। यहाँ पर लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू सपोज 30 डिग्री ले लेते हैं और बी इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कितनी आएगी। साइन ए मीन्स 30 स्टूडेंट्स और बी मीन्स कितना हो गया 60, सॉल्व किया आप हो गया यहाँ पे साइन 90 और जिसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो जब हमने ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू 60 लेकर के सॉल्व किया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आई है। अगर यही वैल्यू यहाँ राइट हैंड साइड में पुट करने पर, ये जो दिखा है जो गिवन है हमको, यही वैल्यू पुट करने पर अगर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब रिलेशन सही है। और चेक करें तो क्या लिखोगे, साइन ए और प्लस साइन बी यहाँ पे आप लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो साइन ए मीन साइन 30 डिग्री और प्लस साइन कितना स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका साइन 60। आप साइन 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1+√3/2। आप देख सकते हैं दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, इसलिए जो रिलेशन यहाँ पर गिवन है रिलेशन करेक्ट नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स है, ठीक है। अब आप सेकेंड देखिए, कर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। इनका कहने का मतलब है जैसे आप एंगल की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। ये जो गिवन है स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारा ये ट्रू है। अब मैं इसका रीजन देता हूँ ये ट्रू क्यों है। आपने देखा है स्टूडेंट्स कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, करते करते जब आप साइन 90 पर पहुंचते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये सही लिखा हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जब थीटा इंक्रीज करता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका थर्ड है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि इसमें उल्टा होता है, कॉस में वैल्यू इंक्रीज नहीं करती है डिक्रीज करती है। कैसे स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब 1 से डिक्रीज करते करते कहां पहुंच गई, 0 पे पहुंच गई। तो वैल्यू यहां पर जब थीटा इंक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी, जबकि इसने लिखा है कि कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा,
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं आप लोगों ने देखा है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर जब हम बात करते हैं तब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 होती है। और अगर हम 30 डिग्री पे बात करें तो क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी लेकिन कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। तो इसका मतलब थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होते हैं, कहां इक्वल होते हैं 45 डिग्री पर। इसलिए स्टूडेंट्स ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला, करे cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू जीरो। इनका कहने का मतलब है cot 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन होती है। चेक कर लेते हैं, cot 0 को क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आप cos 0 लिखोगे अपान क्या लिखोगे, sin 0 लिखोगे ना। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0। मैंने आपको बताया था जब 0 किसी को डिवाइड करेगा तो हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइन ही हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, आपको मैंने इसको डिटेल में समझा भी दिया है। इस तरीके से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के साथ आप लोगों की साइज 8.2 पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अभी आप लोग वीडियो को पास करें, इस कॉन्सेप्ट को नोट करें, फिर मैं आप लोगों को आज का टास्क प्रोवाइड कराता हूं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आज के टास्क में। आज के टास्क में जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो इसको आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड कराता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स आपके टास्क में दिए गए क्वेश्चन को आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इफ कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड cot अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपको यहाँ पे गिवन है 1/√3 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो गिवन है वो √3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, देन आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। सेकेंड आपका स्टूडेंट्स है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना आंसर मुझे बताइए, आपका आंसर कितना आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।